अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशंस ऑफ दी स्टमक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक स्टमक, जिसमें हम लोगों ने देखी थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने देखी थी उसकी डेफिनेशन, कैपेसिटी, पोजिशन, शेप, साइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किए थे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ दी स्टमक, जिसमें हम लोगों ने देखे थे ऑरिफिसेस, पार्ट्स, कर्वेचर्स एंड सर्फेसिस ऑफ दी स्टमक। सो आज हम स्टडी करेंगे रिलेशंस ऑफ द स्टमक। हमारा स्टमक जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। सो कहाँ पर ये प्रेजेंट है? एब्डोमिन में प्रेजेंट है। हमारे एब्डोमिन में क्या होता है? एक पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियम है, उसके अलावा हमारे विसरास है। सो हमारा जो स्टमक है उसके रिलेशंस हम दो तरह से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पेरिटोनियल रिलेशंस एंड विसरल रिलेशंस। ऑब्वियस सी बात है, एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम है, सो पेरिटोनियम भी इन रिलेशन होगी हमारे स्टमक के साथ। उसके अलावा विसरास होंगे, अदर विसरास वो भी इन रिलेशन होंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द स्टमक। स्टमक इज लाइंड बाय द पेरिटोनियम ऑन इट्स बोथ साइड्स। क्या होता है? जो स्टमक है हमारा, दोनों कर्वेचर्स की साइड पे देखें तो हमारा स्टमक जो है दोनों साइड से पेरिटोनियम के साथ लाइन हुआ होता है, एट द लेसर कर्वेचर एंड एट द ग्रेटर कर्वेचर। सो आप देखेंगे कि लेसर कर्वेचर वाली साइड पे पेरिटोनियम का कौन सा पार्ट है और ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड पे कौन सा पार्ट है। एट द लेसर कर्वेचर द लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियम एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस जॉइन टू फॉर्म द लेसर ओमेंटम। सिंपल इज दैट, जो लेसर कर्वेचर होता है स्टमक का, उस पर अटैचमेंट होती है हमारे पास लेसर ओमेंटम की। अभी हमारे पास ओमेंटम क्या होता है? पेरिटोनियम के हमारे पास फोल्ड्स बन जाते हैं, जिसमें एक फोल्ड हमारे पास स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। जो छोटा फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लेसर ओमेंटम, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। सो जो लेसर ओमेंटम है उसकी अटैचमेंट होती है लेसर कर्वेचर पे, तो वही बात की गई है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेस पे जो पेरिटोनियम की लाइनिंग्स हैं वो मिलती हैं, तो एक फोल्ड बनता है जिस फोल्ड को बोलते हैं लेसर ओमेंटम। सो लेसर कर्वेचर पे किसकी लाइनिंग होगी? लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट या लाइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, पेरिटोनियम लेयर्स मीट टू फॉर्म द ग्रेटर ओमेंटम। सो जो पेरिटोनियम की लेयर्स ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग मिलेगी तो वहां पर एक बड़ा फोल्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ये जो हमारे पास इस तरह से मैंने ये बनाया है, ये क्या है? लेसर ओमेंटम, जो लेसर कर्वेचर से अटैच होके कहाँ पर अटैच हो जाता है? लीवर के साथ। सो ये जो बड़ा आपको ब्लू कलर में एक एप्रन की तरह दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है? ग्रेटर ओमेंटम है, और ये अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक अटैच होता है, या इसकी लाइनिंग अटैच होती है, ठीक है। सो ग्रेटर कर्वेचर के साथ कौन सा पेरिटोनियम का पार्ट इन रिलेशन है? ग्रेटर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर के साथ कौन सा पार्ट है? लेसर ओमेंटम, ठीक है। दिस इज ग्रेटर ओमेंटम, दिस इज लेसर ओमेंटम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नियर फंडस टू लेयर्स मीट टू फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नियर फंडस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे हमारे पास स्टमक के टू पार्ट्स होते हैं, कार्डिक पार्ट होता है, एक पायोरिक पार्ट होता है। जो कार्डिक पार्ट होता है उसमें ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है, नीचे वाला बॉडी होता है। सो ये जो इस तरह से डोम शेप स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, उसको हम बोलते हैं फंडस। सो फंडस के नियर इस पार्ट में हम देखें तो जो अटैचमेंट हो रही है, यहाँ पर एक लिगामेंट है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, मीन्स स्टमक का लिगामेंट किसके साथ अटैच होगा? स्प्लीन के साथ। सो यहाँ पर स्प्लीन भी होती है, छोटा सा स्ट्रक्चर स्प्लीन का होता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो लिगामेंट है उसको बोलेंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। सो नियर फंडस क्या है? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नियर कार्डियक एंड पेरिटोनियम रिफ्लेक्टेड ऑन द डायफ्राम एंड फॉर्म गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, मीन जो हमारे स्टमक का डायफ्राम के साथ लिगामेंट या अटैचमेंट हो रही है पेरिटोनियम की, उसको बोलेंगे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फ्रेनिक वर्ड किसके लिए है? डायफ्राम के लिए। सो गैस्ट्रो मीन स्टमक, फ्रेनिक मीन डायफ्राम। सो स्टमक और डायफ्राम के बिटवीन एट द कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक क्या है? गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्रेनियल टू दिस लिगामेंट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द डायफ्राम विच इज कॉल्ड द बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। सो इस टर्म को हमें याद करना है, बेयर एरिया ऑफ द स्टमक हमारे पास कहाँ पर होता है? क्रेनियल टू दिस लिगामेंट, मीन जो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है उसकी अगर अबाव देखें ऑन पोस्टीरियर सरफेस, तो क्या है? हमारा जो स्टमक है वो डायरेक्टली अटैच होता है हमारे डायफ्राम के साथ। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दिस लिगामेंट मीन इस लिगामेंट के पीछे वाला जो एरिया है हमारे स्टमक का, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है हमारे डायफ्राम के साथ। सो इसको बोलेंगे बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। सो ये थे हमारे पास पेरिटोनियल रिलेशंस। हमने लॉन्ग लेसर कर्वेचर देखा, ग्रेटर कर्वेचर देखा, उसके अलावा इन दोनों
लिगामेंट्स को देखा और इसके अलावा हमने देखा बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। सो ये सारे हो गए पेरिटोनियल रिलेशंस। अब हम देख लेते हैं विजरल रिलेशंस, मींस हमारा स्टमक जो है वो किन किन विजराज के साथ इन रिलेशन है। सो हम देखेंगे इंटीरियर सरफेस पे एंड पोस्टीरियर सरफेस पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्टमक का जो इंटीरियर सरफेस है वो किसके साथ कॉन्टेक्ट में है। इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक इज रिलेटेड टू द लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होता है, लीवर भी होता है। ठीक है, सो इंटीरियर सरफेस पे क्या चीज आ रही होगी, हमारा लीवर होगा, डायफ्राम तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, उसके अलावा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी हमारे स्टमक की इंटीरियर सरफेस के साथ रिलेटेड होती है, उसके अलावा जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसका पार्ट भी इंटीरियर सरफेस में आएगा। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक टर्म है प्रोबस स्पेस। प्रोबस स्पेस क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड द एज ऑफ द लेफ्ट लंग ऑन द स्टमक इज नोन एज प्रोबस स्पेस। इन एक स्पेस है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे स्टमक किस साइड पे है। हमने पहले बात की कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन और लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे है। डायफ्राम के ऊपर क्या है, थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी में क्या है, लंग्स है। तो स्टमक किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में कौन सा लंग होगा, बिल्कुल डायफ्राम के ऊपर लेफ्ट लंग होगा। ठीक है, सो लेफ्ट लंग के बिलो मीन यहाँ पर अगर थोड़ा सा लंग का ड्रॉ करें, ये लंग है, उसके अलावा इसके ऊपर क्या होगी, लेफ्ट पोस्टल आर्च इस तरह से। ठीक है, लेफ्ट पोस्टल आर्च, लेफ्ट लंग और ये जो स्टमक, इसके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रॉबस स्पेस। बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड द एज ऑफ द लेफ्ट लंग ऑन द स्टमक इज नोन एज ट्रॉबस स्पेस। इंटीरियर सरफेस के बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं विजरल रिलेशन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। इन जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है स्टमक की, उसमें कौन कौन से विजरा इन रिलेशन है। सो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग स्टमक बेड। मीन जो हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक है उसके पीछे कुछ विजराज होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन रिलेशन विद स्टमक है, वो मिलके क्या बनाते हैं, स्टमक बेड बना देते हैं। सो ये स्टमक बेड या ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय अ कैविटी ऑफ लेसर सैक। हमारे पास क्या होता है, स्टमक जो पेरिटोनियम है उसके दो सैक होते हैं, एक होता है ग्रेटर सैक, एक होता है लेसर सैक। मीन इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये पेरिटोनियम है। जब हमारे विजरा पेरिटोनियम को इन्वेजिनेट करते हैं तो दो हमारे पास क्या है, सैक बन जाते हैं। एक तो फोल्ड है ना, लेसर मेंटम ग्रेटर मेंटम, बट क्या है, सैक भी बन जाते हैं। एक होता है ग्रेटर सैक, एक होता है लेसर सैक, और दरमियान में इनके क्या होता है, हमारे पास एपिप्लॉइक फोरमेन। ठीक है, जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्शन में होते हैं। सो ये जो लेसर सैक का पार्ट है ये क्या करता है, स्टमक बेड को सेपरेट करता है स्टमक से। मीन इन स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करता है स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस से, कौन करता है, लेसर सैक। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं ये जो स्टमक बेड है, मीन ये जो स्ट्रक्चर्स है जो स्टमक के साथ रिलेशन में है उन पोस्टीरियर सरफेस को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें हमारे पास आता है डायफ्राम, क्योंकि हमने देखा इंटीरियर रिलेशन में भी देखा डायफ्राम था, बट पोस्टीरियरली भी यहाँ पर बेयर एरिया भी हमने स्टडी किया, वो पोस्टीरियर ही तो है। सो पीछे की साइड भी डायफ्राम इन रिलेशन होता है द लेफ्ट किडनी। हम देखेंगे मोस्टली लेफ्ट लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर्स आएंगे बिकॉज स्टमक लेफ्ट साइड पे है ना। सो लेफ्ट किडनी भी आएगा, लेफ्ट सुप्रा रेनल ग्लैंड, पेंक्रियास, ट्रांसवर्स मेसन कोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन एंड स्प्लेनिक आर्टरी। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन रिलेशन होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, एंड दीज स्ट्रक्चर्स फॉर्म द स्टमक बेड। और स्टमक बेड स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस से कैसे सेपरेट होता है, बाय द कैविटी ऑफ लेसर सैक। सो ओवरऑल ये क्या थे हमारे पास रिलेशंस ऑफ द स्टमक। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।